दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल जाटव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। चलिए आज बात कर लेते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिंदगी में आपके यहाँ बिल्कुल फ्री काम करे, या फिर आप कहीं पर भी जॉब करो वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में काम करना पड़े। चलिए इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाओ। तो मेरा यह कहना है कि मैं एक कंपनी में जा रहा हूँ, मैं एक कंपनी वाला हूँ। मैं आपको कॉल करके बोल रहा हूँ कि सर आपको हमारे यहाँ जॉब करनी है, रिक्वायरमेंट है, आपको सब काम करना पड़ेगा जो सब करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको काम सब करना है और पैसे में एक रुपया भी नहीं लूँगा, मतलब सैलरी बिल्कुल जीरो, आपको एक रुपया सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप काम करोगे क्या? आप ही सोचिए, स्वभाव के नहीं करोगे, क्योंकि बिना पैसे के आज की दुनिया में कोई भी काम नहीं करता है। लेकिन क्या मैं कहूंगा कि हाँ कोई है ऐसा जो काम करता है, तो आप विश्वास करोगे? आप सोच रहे होंगे कि कैसे संभव है कि बिना पैसे के कोई काम करेगा क्या? नहीं करेगा। आप भी बिल्कुल सही है आपकी जगह, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कुछ अलग है। मैं कहता हूँ कि हाँ है एक व्यक्ति जो जिंदगी भर अपने साथ रहता है, काम करता है बिना जीरो इन्वेस्टमेंट के, सॉरी जीरो सैलरी के, ना उसको कोई पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है, तो भी वो अपनी केयर करता है, हमेशा ध्यान रखता है। तो ऐसे शख्सियत है, वो एक ऐसी शख्सियत है, उनका नाम है अपनी माँ। सही कहा मैंने, बिल्कुल 100% राइट है कि हमारी माँ ही होती है जो बिल्कुल बिना पैसे के हमारे यहाँ काम करती है। क्योंकि आप उठो ना उठो, उससे पहले वो हमें उठ के हमारे लिए चाय बनाती है, हमारे लिए खाना लगा देती है, वो भी बिना किसी पैसे के लिए। यदि पापा काम पर जा रहे हैं तो माँ टिफिन तैयार कर देगी, उनके लिए खाना बना के तैयार कर देगी, हम सबके लिए तैयार कर देगी। अगर अपन कोई गलती भी करेंगे तो भी माफ कर देती है। और वही अगर अपन किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं हम लोग, और यदि हमारे एम्प्लॉयर से गलती हो जाती है तो हम उन्हें डांट देते हैं, लेकिन हमारी माँ कभी हमें नहीं डांटती। तो दुनिया में सबसे बड़ी माँ ही होती है जो इतना बड़ा बलिदान दे पाती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो भी वृद्धाश्रम में अपनी माओं को रखे हुए हैं, वो सोचना उन्होंने कैसे आपको जन्म दिया, कैसे आपको बड़ा किया, कैसे आपको इस लायक बनाया कि आप उस स्तर पर पहुँच सके कि आप उनकी सेवा करें। और आज का समय यह है कि आप उनको ही छोड़ रहे हैं, माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, क्या सही है? कौन सा न्याय है? जब आप छोटे होते हैं आप ये चीजें कहने तो नहीं चाहिए, पर आप टॉयलेट कर देते तो भी माँ आपके टॉयलेट को भी साफ करेगी, सब साफ करेगी, क्योंकि वो माँ है। और आप बड़े होने के बाद क्या बोलते हैं, माई लव इज माई वाइफ। क्या वाइफ ने आपको जन्म दिया है? क्या वाइफ अपनी माँ से बढ़कर है? मैं यूं नहीं कहूँगा कि वाइफ कुछ सब कुछ नहीं है, वाइफ का कोई महत्व नहीं है, लेकिन माँ से बढ़कर है। इसलिए माँ सबसे पहले, उसके बाद सब, चाहे कोई भी हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।